वह एक छोटा कौवा है जो अभी उड़ना सीख नहीं पाया है। घिरा हुआ और घबराया हुआ, उसके काले पंख कुछ कम काले हैं, मटमैला शरीर कुछ ज़्यादा उजला। वह लंगड़ाता हुआ फुदक रहा है और चीखने के लिए जब चोंच खोलता है तो वह लाल है अंदर से। लड़कों ने उस पर पत्थर फेंके हैं और वह फड़फड़ाकर यहाँ वहाँ असफलता से घुसा है। ऊपर मंडराते हुए कौवों का और नीचे पिछवाड़े बंधे हुए कुत्तों का शोर इतना तेज है कि घबराई हुई माएँ निकल आती हैं घरों के पीछे और डरी हुई रोकती हैं लड़कों को उसे मारने से। गूंगे की माँ नहीं है अभी कि उसे रोके। वह लपक कर छोटे कौए को हाथों में पकड़ लेता है और आतंकित और उत्तेजित लड़कों और औरतों के बीच से भाग जाता है लोहे के अपने दरवाजे की तरफ। लड़कों का झुंड उसके पीछे है और कौए शोर करते हुए उसके साथ उड़ते हैं। गूंगे के हाथ की पकड़ भरपूर है। छोटे कौए ने पहले उसे आश्रय समझा होगा, किंतु अब असहायता और आतंक की अंतिम दशा में है, पांच उंगलियों में कसा हुआ चुपचाप। गूंगे की आंखें देखती हैं कौए की आंख में। कौए का गर्म जिस्म और घबराया हुआ दिल धड़कता है उसकी गिरफ्त में, और जब भी वो हिलता है तो गूंगा उसे मारता है सिर पर। झटके और वार के कारण कौए की चोंच खुलती है, जिसका अंदरूनी रंग गूंगे के मसूड़ों की तरह लाल है। नीचे मंडराते हुए कौओं से बचकर गूंगा छिपा हुआ है सूनी कोठी के गैराज में। छोटे कौए को हाथ में लिए हुए उसे कुछ देर तक देख देख कर मारता हुआ या अपने तई पुचकारता हुआ। और कौआ अब बहुत चुप है। यदि उसे दिमाग मिला होता जो गूंगे से भी छीन लिया गया था 10 बरस पहले, तो इस क्षण शायद वह सोचता कि यह किसके किए की सज़ा कौन उसे दे रहा है। लड़के इकट्ठा हैं लोहे के दरवाजे के पास। उड़ते हुए कौओं के मंडराने और शोर में कुछ परेशानी है। गूंगे के हाथ में छोटे कौए ने अब गर्दन डाल दी है और वह उसकी आंख खोलने के लिए उसे हिलाता है। दौड़कर दरवाजे के पास चुप खड़े लड़कों के पास जाता है, जो अब उसके हाथ में बेहरकत पड़े हुए कौए को लेना नहीं चाहते और उसके पीठ पर मारकर दूर नाली में फेंक आने को कहते हैं। गूंगा जाता है अपनी मुट्ठी में सोए हुए से छोटे कौए पर सर झुकाए हुए। शोर करते हुए कौए उसकी परछाई पर उड़ रहे हैं, लेकिन अब वह डर के परे है। नाली के पास पहुंचकर उसे फेंक देता है। घास उगे पानी में एक हल्की सी छप की आवाज़ होती है। गूंगा खड़ा देखता है मुंदी आँख, बंद चोंच और गीले होते हुए डैनों को। पार्क की ज़मीन पर कुछ दूर कौए बैठ गए हैं, उसके लौटने के इंतज़ार में। जब लड़के परेशान हो जाते हैं तो क्या कर रहा है यह देखने पार्क में आते हैं। उसे नाली के पास वाली टूटी पुलिया पर छोटा कौवा हाथ में लिए रोता हुआ पाते हैं।